हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूं NIT वारंगल के 2022 के MSc MBA MSc मैथ MSc टेक एंड MSc केमिस्ट्री के प्लेसमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसमें एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस कोर्स में कितने थे, और जो सेकेंड कॉलम है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए अपीयर थे, और थर्ड कॉलम है कि कितने लोग का सिलेक्शन हुआ, और फोर्थ कॉलम है कि कितने परसेंट प्लेसमेंट हुआ, और फिफ्थ कॉलम है कि कितने लाख मैक्सिमम सैलरी, कितने लाख पर एनम गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है, सिक्स कॉलम है, उसमें है कि मिनिमम कितनी लाख पर एनम हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोर्स है MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें टोटल स्टूडेंट थे 55, जो कि प्लेसमेंट के लिए अपीयर थे 50 स्टूडेंट। तो 50 स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए अपीयर थे और 50 लोग का प्लेसमेंट हो गया। तो 100% प्लेसमेंट रहा इस कोर्स का, और जो मैक्सिमम सैलरी गई है 36 लाख पर एनम गई है, और जो मिनिमम है 6.5 लाख पर एनम। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें टोटल स्टूडेंट थे 39, जिसमें से 37 लोग प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। तो 37 में से 32 लोग का प्लेसमेंट हुआ है, जो कि परसेंटेज की बात की जाए तो 86.5% लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें से मैक्सिमम सैलरी गई है 15 लाख पर एनम और मिनिमम है 5 लाख पर एनम। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं तो MSc मैथ में जो स्पेशलाइजेशन है अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें 26 स्टूडेंट थे और 26 में से 25 लोग प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे, जिसमें कि 11 लोग का प्लेसमेंट हुआ है, और जो कि 44% प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें से मैक्सिमम सैलरी गई है 12 लाख पर एनम और मिनिमम 6 लाख पर एनम। MSc मैथ में नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो वो है मैथमेटिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो इसमें टोटल स्टूडेंट थे 27, जिसमें से 24 अपीयर थे प्लेसमेंट के लिए, 24 में से 22 का प्लेसमेंट हुआ, जो कि इसका प्लेसमेंट 91.7% रहा। मैक्सिमम सैलरी की बात करते हैं तो 32 लाख पर एनम इसका मैक्सिमम सैलरी है, और मिनिमम 6.75 लाख पर एनम गया है। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं गाइज तो MSc टेक, जिसमें कि इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसमें टोटल स्टूडेंट थे 40 स्टूडेंट में 36 स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए अपीयर थे, जिसमें से 6 स्टूडेंट का केवल प्लेसमेंट हो पाया है। तो प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं रहा MSc टेक का, जो कि 16.7% ओनली प्लेसमेंट रहा, जिसमें से मैक्सिमम सैलरी की बात करते हैं तो 17 लाख पर एनम गया है और मिनिमम सैलरी 7 लाख पर एनम। गाइस, जो लास्ट कोर्स है MSc केमिस्ट्री में जो फर्स्ट स्पेशलाइजेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जो कि टोटल स्टूडेंट थे 27, जिसमें से 23 स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे, जिसमें से केवल 6 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो पाया है, जो कि 26.1% प्लेसमेंट रहा इस स्पेशलाइजेशन का। और जो मैक्सिमम सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी गाइज मैक्सिमम सैलरी गया है 16 लाख पर एनम और मिनिमम है 4.8 लाख पर एनम। और जो MSc केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो जिसमें टोटल स्टूडेंट थे 26 में से 21 स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे, जिसमें कि 5 स्टूडेंट का केवल प्लेसमेंट हो पाया है, जो कि 23.8% प्लेसमेंट रहा इस स्पेशलाइजेशन का, काफ़ी अच्छा नहीं रहा। फिर भी जो मैक्सिमम सैलरी है गाइस इस स्पेशलाइजेशन की 16 लाख पर एनम है और मिनिमम है 6 लाख पर एनम। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइज जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।